गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों में हमारी क्लास होनी भाई थी, तो आज वापस से स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे, काफ़ी सारे जो आपके टेस्ट है वो हो चुके थे, बहुत ही कम जो बचे हुए, मुश्किल से 3-4 क्लास होगी उसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम बात कर रहे हैं जो ऑयल सीड क्रॉप्स के कुछ बचे हुए टेस्ट थे उनमें से, आज हम बात कर रहे हैं कैस्टर की, है ना। कैस्टर क्या होता है सबको पता होगा, है ना, अरंडी जिसको बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है। तो इसके पेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, सेमी लूपर। सबसे पहले तो ये हम समझते हैं कि सेमी लूपर होता क्या है, लूप क्या होता है। एक वर्ड आपने सुना भी होगा, मैं भी, लूप। लूप क्या होता है, किसी कोई भी चीज़ है ना जो कि क्या है, इस टाइप से, यानी कि गोलाई लिए हुए हो, है ना, थोड़ी सी राउंड टाइप। कुछ आपने देखा होगा कई बार, कुछ जो होता है सरिया वगैरह मोड़ के उसका लूप बनाया जाता है, यानी उसको गोलाकार जो है शेप दी जाती है, उसको बोलते हैं लूप। तो हम बात कर रहे हैं, तो लूप का मतलब हो गया। अब जो मेन चीज़ है यहाँ पे, एक चीज़ लिखी हुई है सेमी लूपर, है ना। अब लूप का आपको दो टाइप के मैं आपको बता देता हूँ, कैटरपिलर होते हैं, ठीक है, इधर ध्यान से समझना मेरी बात को। दो टाइप के कैटरपिलर होते हैं, मान लीजिए ये कोई कैटरपिलर है, ठीक है, कोई भी कैटरपिलर है। अब इसकी खास बात क्या होगी मैं आपको बताऊँ, ये नॉर्मल कैटरपिलर है। अब ये जो कुछ जो मूवमेंट करते हैं, कुछ कैटरपिलर मूवमेंट करते हैं, वो कैसे करते हैं, यानी कैटरपिलर आपने देखा होगा कभी भी सीधा मूवमेंट नहीं करता, वो क्या करता है, ऐसे पहले ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ना, इस टाइप से मूवमेंट करता है। तो कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं कि मूवमेंट करते टाइम क्या होते हैं, इस प्रकार से मूवमेंट करते हैं वो, यानी कि उनकी बॉडी जो होगी वो इस प्रकार होगी, है ना। ये मान लीजिए कोई भी लीफ की सरफेस है, तो उसके ऊपर इस प्रकार से वो क्या है, मूवमेंट करते हैं, यानी कि पहले ऐसे होंगे, फिर पूरा सीधा होगा, फिर वापस ऐसे लूप बनेगा। अब इसको बोलते हैं सेमी लूपर, क्योंकि यहाँ बीच में क्या जगह पड़ी हुई है, इसके ये जो गैप है, इसकी वजह से, इसको उस गैप की वजह से क्या बोलते हैं, इसको सेमी लूपर, ठीक है। अगर ये गैप नहीं हो, ठीक है, गैप नहीं हो, यानी कि अगर मैं एक डायग्राम और आपको बढ़ा के दिखाता हूँ, कुछ जो होते हैं उनकी मूवमेंट इस प्रकार से होती है, यानी कि ये जब मूवमेंट करते हैं उस टाइम क्या है जो है, ये पूरा जो है आपस में, ये जो दोनों सरफेस, जो दोनों साइड होगी, ये आपस में इस प्रकार से टच होगी, एक पूरा जो है क्या है, लूप बनेगा इस प्रकार से, है ना, ये पूरा लूप बनेगा, इसको क्या बोलते हैं, लूपर। ये दोनों ही टाइप के पेस्ट होते हैं, कुछ लूपर्स होते हैं, कुछ सेमी लूपर्स होते हैं, ठीक है। अपने अगर बात करें सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उसमें क्या है, सेमी लूपर है। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि लूपर क्या होता है और सेमी लूपर क्या होता है। चलिए बात करते हैं कैस्टर सेमी लूपर की। तो इसका साइंटिफिक नेम होता है एकेया जेनाटा, फैमिली इसकी होती है नॉक्टुइडी, एंड ऑर्डर होता है लेपिडोप्टेरा। एक चीज़ यहाँ पे मैंने आपको याद हो तो सबको बताया था, नॉक्टुइडी फैमिली की एक खास बात है ना, नॉक्टुइडी फैमिली की खास बात क्या है कि इसके जितने भी पेस्ट होंगे वो क्या होंगे, नॉक्टर्नल हैबिट के होंगे, ठीक है। अब नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, रात्रिचर, है ना, नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है, रात्रिचर, यानी कि मोस्टली जो क्या है, रात के समय जो डैमेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉक्टर्नल। इसी आधार पर इनकी फैमिली भी क्या रखी हुई है, नॉक्टुइडी। तो ऑर्डर इसका लेपिडोप्टेरा। अब लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के हमने काफ़ी सारे पेस्ट पढ़ लिए हैं, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर की अगर बात करूं मैं, तो इसके क्या क्या सेलेंट फीचर हो सकते हैं, जैसे क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो सबसे पहले तो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर इसका मतलब क्या होगा कि उसमें कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा, ठीक है, नंबर वन। अब कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगा तो 4 स्टेज होगी, ठीक है। डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, मोस्टली 95% अपने मान सकते हैं कौन सी होती है, जो कैटरपिलर या फिर बात करें लार्वल जो स्टेज होती है, ठीक है, लार्वा, यही डैमेज करते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो एडल्ट जो है इसका वो इतना नुकसान नहीं करता है। माउथ पार्ट की बात करें तो माउथ पार्ट इसमें कैसे होते हैं, बाइटिंग एंड चेविंग टाइप के, ठीक है। इसके अलावा और कुछ खास है नहीं इसमें, ये मेन चीज़ें हैं जो ये माउथ पार्ट, बाइटिंग एंड चेविंग, ये किस में होते हैं, ये लार्वा या कैटरपिलर में होते हैं। एडल्ट में क्या है, क्योंकि एडल्ट क्या होगा, या तो बटरफ्लाई होगी या मोथ होगा, तो उसमें क्या होते हैं, साइफनिंग टाइप के होते हैं, तो उसमें अलग होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना भैया ना। ये सारी कॉमन चीज़ें हैं जो हम बार बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं होस्ट प्लांट्स की। तो होस्ट प्लांट में कैस्टर तो हो ही गया, चलो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी फ्रूट क्रॉप्स हैं, फ्रूट क्रॉप जितनी भी है वो सारी इंक्लूड होती है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न क्या है कि इसको, ये अगर फ्रूट क्रॉप की बात करें तो ये फ्रूट क्रॉप्स के अंदर भी लगता है, उसमें इसको फ्रूट सकिंग मौत के रूप में जाना जाता है ना, सकिंग मौत के रूप में, ठीक है, सकिंग
मौत, क्योंकि इसका जो एडल्ट जो होता है ना, जो कैटरपिलर स्टेज होती है वो तो कैस्टर के अंदर नुकसान पहुंच जाती है, लेकिन इसकी जो एडल्ट स्टेज होती है वो क्या करती है, आसपास का कोई भी जो फ्रूट का बगीचा वगैरह होगा वहाँ पे जाके जो परिपक्व फ्रूट जो होते हैं ना उनको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं। फिर बात करते हैं नेचर ऑफ डैमेज की। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने आपको बताया कि मोस्टली डैमेजिंग स्टेज कौन सी होती है, कैटरपिलर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही स्टेज जो है, कैटरपिलर और एडल्ट, दोनों ही नुकसान पहुँचाती है। कैसे, एडल्ट जो होता है ना ये क्या करता है, पास के बगीचों में जाएगा। मान लीजिए अगर हम बात करें, मान लीजिए कोई मैंगो का जो है बगीचा है, ठीक है, ये कोई आम का फ्रूट है, तो ये क्या करता है, इसका जो एडल्ट होगा, क्योंकि वो क्या होगा, एडल्ट जो है वो मौत होगा, है ना। मान लीजिए कि कोई मौत है, ये क्या करता है, अपनी जो प्रोबोसिस होती है ना वो क्या करता है, यहाँ पे माउथ पार्ट्स है वो यहाँ इंजेक्ट करके इसके अंदर, फ्रूट के अंदर, और यहाँ से क्या करता है, उसका जो जूस होता है फ्रूट का, या बात करें जो सैप होता है उसको सक करता रहता है। ठीक है, इससे क्या होगा, यहाँ पे होल बन जाएगा एक। ठीक है, ये क्या करता है, होल बनाता है, मेक होल। ठीक है, होल बनाएगा। अब इस होल से क्या है, ये लगातार उससे रस चूसता रहता है, इससे क्या होगा कि यहाँ ये जो छेद करता है इसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे फंगस बैक्टीरिया वगैरह लग जाते हैं। इससे क्या होगा, फंगस और बैक्टीरिया वगैरह इनका अटैक हो जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो फ्रूट है ये पूरा खराब होने लग जाता है। तो फ्रूट के, इसके जो एडल्ट होते हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा क्या है, नुकसान पहुंच जाते हैं। ठीक है, कभी कभी तो फ्रूट झड़ भी जाता है, परिपक्व सॉरी जो होता है, यानी कि पूरी तरह जो पका हुआ नहीं होता है। ठीक है, वो फ्रूट क्या है, पहले से ही झड़ने लग जाता है। एडल्ट सक्से फ्रॉम द फ्रूट क्रॉप्स, ये मैंने बता दिया आपको। फिर कैटरपिलर जो है, इसका जो कैटरपिलर होता है वो क्या करता है, स्टार्टिंग में इसकी जो लीव्स होती है कैस्टर की, ठीक है, उसके ऊपर फीड करता है, और इतना वोरेसली फीड करता है, यानी कि इतना खतरनाक तरीके से फीड करता है कि उसकी सिर्फ वेंस बचती है। मान लीजिए कोई लीफ है, ठीक है, कोई लीफ है, तो इसका जो कैटरपिलर जो होता है ना, ये क्या है, स्टार्टिंग में क्या करता है, इसकी जो एपिडर्मिस स्टेज होती है ना, जो एपिडर्मिस लेयर होती है लीफ की, उस एपिडर्मिस को फीड करता है ये शुरू में। ठीक है, एपिडर्मिस को फीड करता है, उसके बाद धीरे धीरे क्या करता है, ये पूरी की जो है, उसके बाद धीरे धीरे ये है क्या है कि पूरी जो क्रॉप है ना, पूरा जो है इस लीफ को फीड करने लग जाता है धीरे धीरे, और लास्ट में बचता क्या है, वहां पे सिर्फ बचता है ये जो इसकी वेंस है ना, बाहरी हो गया है ना, बाहर से ही इसको पूरा फीड कर जाता है, बचता क्या है इसका जो वेंस है ना, वेंस जो है सिर्फ खाली वेंस बचती है, यानी कि ये वाली बचेगी, ये वाली मिडरिब बचेगी, और जो वेंस होती है बस ये बाकी रहती है, बाकी पूरी तरह ये लीफ को क्या करता है, फीड कर जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है, बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचाता है। एंड ओनली वेंस आर रिमेन्स, है ना, सिर्फ जो है वेंस बचती है, बाकी पूरी लीफ को ये फीड कर जाता है। समटाइम होल क्रॉप इज अफेक्टेड, कभी कभी तो क्या है, पूरी जो क्रॉप है वो इससे प्रभावित होती है, और पूरी की पूरी क्रॉप जो है वो भी नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, इसका नेचर ऑफ डैमेज है। फिर बात करते हैं इसके लाइफ साइकिल्स की। ठीक है, लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल में क्या होता है, इसके सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि 4 स्टेज तो होती है ना, क्योंकि क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस। तो फर्स्ट स्टेज की अगर बात करें एग, तो एग इसकी दिए जाते हैं ग्रुप में 4 to 6, यानी कि 4 से 6 एग्स जो है वो एक ग्रुप के अंदर है, ग्रुप के अंदर एगलिंग की जाती है, टोटल एगलिंग होती है 400 to 500, यानी कि 400 से 500 एग जो है वो पूरी लाइफ के अंदर एक फीमेल के द्वारा दिए जाते हैं पर फीमेल। फिर है, दिए कहाँ जाते हैं, एग्स दिए जाते हैं लोअर सरफेस पे। ठीक है, लोअर सरफेस पे, और एग जो होते हैं इसके ग्रीन कलर के एग्स होते हैं, राउंडिश शेप के। ठीक है, राउंड शेप के होते हैं, ग्रीन कलर के। ठीक है, बाकी इतना कुछ खास है नहीं इसमें। एग इसके भी क्या होते हैं, जो बेस वाली जो सरफेस होती है, यानी कि नीचे वाली साइड से, तो क्या होते हैं, थोड़े से चौड़ाई उनकी ज़्यादा होती है एग की, और ऊपर से थोड़े से तो क्या एक्यूट होते हैं, पतले होते हैं। फिर बात करेंगे लार्वा की, तो लार्वा ये सबसे पहले क्या है, फीड एपिडर्मिस, अभी मैंने आपको बताया था, ये क्या है, स्टार्टिंग में एपिडर्मिस को फीड करता है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पूरी लीफ को ये क्या है, फीड करता रहता है, और सिर्फ वेंस बाकी बचती है।
स्टार्टिंग में जब फर्स्ट इंस्टार यानी कि यहाँ से एग से जब ये बाहर निकलता है, लार्वा क्या करता है, मान लीजिए एग है ना, ये क्या करता है एग की, यहाँ से एग को काट के, ठीक है, एग की जो ये एग सेल जो होता है इसको काट के यहाँ से ये जो कैटरपिलर बाहर आएगा, ये कैटरपिलर क्या करता है एपिडर्मिस को फीड करेगा। सबसे पहले इसका साइज इस समय क्या होता है 3.5 mm, ठीक है, उसके बाद 4 से 5 मोल्टिंग होती है इसके अंदर और धीरे धीरे साइज बढ़ता जाता है और लास्ट में इसका साइज जो है वो 60 to 70 mm लगभग हो जाता है। और इसके ऊपर जो बॉडी, इसकी जो बॉडी जो होती है ना, इसकी बॉडी जो होती है उसकी अपर सरफेस जो होती है ना, ये वाली जो डोर्सल साइड जो है ना, तो डोर्सल साइड के ऊपर क्या होता है वाइट एंड रेड स्ट्रिप्स यानी कि सफ़ेद और लाल रंग की क्या है धारियाँ पाई जाती है। यहाँ पे अपर सरफेस पे क्या है लाल और सफ़ेद रंग की धारियाँ पाई जाती है डोर्सल साइड पे, बाकी इतना कुछ नहीं है। डैमेज मैंने आपको बता ही दिया कैसे करता है। फिर है प्यूपा, फिर प्यूपा की बात करें तो प्यूपा या तो सोइल के अंदर बनता है या फिर क्या होता है जो प्लांट की लीव्स वगैरह है जो जड़ गई है नीचे, सूखी हुई जो पत्तियाँ होती है उनके अंदर, ड्राई लीव्स जो होती है उनके अंदर ये क्या करता है एक सिल्की कोकून बनाता है, रेशम का कोकून बनाता है और उसके अंदर ही ये क्या है इसमें बदलता है प्यूपा के अंदर, ठीक है, रेशम का कोकून बनाता है या तो ड्राई लीव्स, और कभी कभी क्या होता है प्लांट के ऊपर जो कर्ल्ड लीफ होती है यानी कि जो मुड़ी हुई पत्तियां होती है उनके अंदर भी क्या होता है इसकी प्यूपा स्टेज बनती है। और अगर बात करें विंटर सीजन की, अगर सर्दी बहुत ज़्यादा है उस कंडीशन में क्या है ये क्या करते हैं उस जो जितना भी जो ज़्यादा ठंड वाला या फिर सर्दी वाला टाइम होता है वो इसी स्टेज के अंदर ये गुजारते हैं, उसके बाद फिर वापस से एडल्ट बन जाता है। अब एडल्ट की बात करें तो एडल्ट का कलर होता है येलोइश ब्राउन यानी कि पीलापन लिए हुए भूरे रंग का एडल्ट होता है। फोर विंग्स जो इसकी होती है यानी कि आगे वाली जोड़ी पंख जो होते हैं वो क्या है मटमेले लाल भूरे रंग के, ठीक है, डल का मतलब क्या है यहाँ पे मटमेले यानी कि प्योर रेड एंड ब्राउन भी नहीं होता, मटमेले लाल भूरे रंग का होता है। और हाइंड विंग्स जो होते हैं ये क्या है लगभग ब्लैकिश कलर के यानी कि काले रंग के दिखाई देते हैं जिनके ऊपर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, ठीक है, वाइट स्टॉप स्पॉट्स का मतलब क्या होता है धब्बे, यानी कि इसकी हाइंड विंग्स जो होती है वो ब्लैक काले रंग की होती है जिसके ऊपर सफ़ेद धब्बे पाए जाते हैं, ये इसके पहचानने के लक्षण, हम कैसे इसको पहचान सकते हैं। फिर है लाइफ साइकिल की स्टेज की बात करें तो एग स्टेज होती है 2 से 5 दिन की, उसके बाद लार्वा या फिर बात करें कैटरपिलर, तो ये जो स्टेज होती है ये 15 से 20 दिन की होती है, इसके बाद प्यूपा बनता है, प्यूपा से 10 से 15 दिन बाद में एडल्ट, और एडल्ट में रिप्रोडक्शन होने के बाद 3 से 4 दिन बाद वापस से एग लेइंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। टोटल लाइफ साइकिल होता है इसका 30 to 44 days का और 5 से 6 जनरेशन जो है वो एक साल के अंदर इसकी पाई जाती है, ठीक है। फिर बात करेंगे डायग्राम्स की, तो ये दिखाई दे रहा है आपको ये पूरा इसका लाइफ साइकिल शो किया गया है, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सबको ग्रीन कलर के क्या होते हैं इसके एग्स होते हैं राउंडिश शेप के, उसके बाद ये है इसका कैटरपिलर, ठीक है, इस प्रकार का होता है कैटरपिलर जो सेमी लूपर हम जिसको बोलते हैं। फिर ये प्यूपल स्टेज है, प्यूपा से फिर ये एडल्ट जो है ब्राउनिश कलर का दिख रहा है, ये आगे वाली जोड़ी पंख जो है क्या है भूरे रंग का और पीछे वाली जो ब्लैकिश कलर का है और इसके ऊपर वाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये पूरा इसका दिखाया गया है अलग अलग मोल्टिंग के हिसाब से, ठीक है, चेंज होते रहते हैं। ये इसकी प्यूपल स्टेज है और ये तीनों इसके क्या है लार्वल स्टेज है, ये दिख रहा है सबको सेमी लूपर यानी कि ये बीच में से जो उठा हुआ है ये लूप टाइप बनता है ना, हाफ लूप बनता है, ये क्या बनता है हाफ लूप बनता है, इसी को क्या बोलते हैं सेमी लूपर, है ना, तभी इसको क्या बोलते हैं सेमी लूपर। ये इसके एडल्ट हैं, बाकी ये एक और है पिक्चर जिसके अंदर क्या है इसने पूरी लीफ जो है अब यहाँ दिखाई दे रहा है, वेंस को नुकसान नहीं है लेकिन बीच बीच में से क्या है लीफ के जो मिडल जो भी पोर्शन है उसको ये खा जाता है ना, धीरे धीरे पूरी लीफ के अंदर सिर्फ वेंस बाकी बचती है, इसके डैमेजिंग सिम्टम है। फिर बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो क्या है सैनिटेशन, क्योंकि हमें पता है इसके प्यूपल स्टेज जो है वो कहाँ बनती है सोइल के अंदर या फिर जो गिरी हुई पत्तियाँ हैं, तो गिरी हुई पत्तियाँ वगैरह जो है उनको समय समय पर हटा देना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है लाइट ट्रैप, यानी कि लाइट ट्रैप क्यों यूज़ करते हैं इसके एडल्ट को पकड़ने के लिए, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया नॉक्टुइडी फैमिली होती है ना, तो नॉक्टुइडी फैमिली होती है इसका मतलब क्या है रात को अटैक करते हैं, और रात को अटैक करते हैं ये लाइट की तरफ क्या होते हैं अट्रैक्ट होते हैं, तो हम लाइट ट्रैप लगा के इनको जो है हम पकड़ सकते हैं आसानी से इसके जो एडल्ट्स होते हैं, ठीक। फिर है फॉग एट नाइट, हम क्या करते हैं रात के समय में धुआं करते हैं फील्ड के अंदर, ठीक है, जो भी फील्ड है उसके अंदर धुआं करते हैं, इससे क्या होगा
कि एडल्ट जो रात के समय डैमेज करते हैं वो अट्रैक्ट किसकी तरफ होते हैं, जो फ्रूट की जो होती है ना खुशबू जो होती है ना, यानी कि महक जो होती है फ्रूट्स क्रॉप के अंदर जब फ्रूट परिपक्व हो रहे होते हैं, तो इथाइलिन की वजह से क्या होता है वहाँ पे एक अजीब सी खुशबू आती है उन फ्रूट्स के अंदर, तो उसकी तरफ ये अट्रैक्ट होते हैं। तो जैसे ही हम फील्ड के अंदर वहाँ पर धुआं करेंगे आग जला के, उससे क्या होगा कि वो डिस्ट्रैक्ट होंगे, यानी कि उस धुएँ की वजह से उस महक के साथ क्या है वह की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं हो पाते, और काफ़ी हद तक हमें क्या है उनसे बचाव होता है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। फिर है बाइट स्प्रे, हम सॉरी एक बाइट तैयार करते हैं, बाइट पॉइजन, बेट पॉइजन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को मिक्स करके विषैला जो है भोजन तैयार करते हैं, और उसको लीफ के ऊपर स्प्रे करते हैं, उसको खा के क्या है कैटरपिलर वगैरह जो है वो मर जाती है। सबसे पहले है गुड़, यानी कि गुड़ जो जेगरी जिसको बोलते हैं, 160 पार्ट, 160 पार्ट इसका और लेड आर्सेनेट का एक पार्ट इसका होता है, और एसिड होता है कुछ मात्रा में, यानी कि बहुत एसिड, या जिसको मेनली क्या है सिरका यूज़ किया जाता है, तो इसको यूज़ करते हैं, बहुत कम मात्रा इसकी यूज़ करते हैं, पार्ट से भी कम, एक पार्ट से कम। इनको मिक्स करके हम क्या करते हैं स्प्रे करते हैं, जिससे क्या होगा इसका लेप बन जाता है, और उसको जब ये फीड करते हैं एडल्ट या फिर कैटरपिलर, तो वो क्या होते हैं अभी किल हो जाते हैं। फिर बात करेंगे स्प्रे की, तो लगभग 1000 यानी कि 1000 लीटर पानी के अंदर हम निम्नलिखित जो दवाएं हैं उनको मिक्स करके और स्प्रे करते हैं, मेथाइल पैराथियॉन 50 EC, ठीक है, 625 ml, या फिर गामा BHC जो होता है 20 EC 2 लीटर। तो इसको क्या करते हैं हम 1000 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके हम क्या करते हैं जो क्रॉप है उसके ऊपर स्प्रे कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेमिनो पर। नेक्स्ट जो है दो ही बेस्ट है कैस्टर के आपके सिलेबस में, नेक्स्ट जो है वो है कैस्टर शूट एंड कैप्सूल बोरर, मेनली कैप्सूल बोरर बोलते हैं इसको, शूट एंड कैप्सूल बोरर दोनों को नुकसान पहुंचाता है। साइंटिफिक नेम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है कोनोगेथस पंक्टिफेरलस, ठीक, और इसकी फैमिली है पायरोस्टिडी, और ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, और सेमिलुपर का भी लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है, दोनों में सारी चीज़ें सेम हैं, यानी कि चार जो है स्टेज हो गई कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस ये सब जो है, ठीक है। फिर होस्ट प्लांट की बात करें तो होस्ट प्लांट में कैस्टर तो है ही है, ठीक है, उसके अलावा ये क्या है ज्वार में भी, मेज़ में भी, ठीक है, इसके अलावा और भी जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं या फिर जो ग्रेन क्रॉप है, बहुत सारी ग्रेन क्रॉप है उनके अंदर भी ये क्या है नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, ग्रेन क्रॉप्स होगी। अब इसके बाद फिर साफ साफ लिख देता हूँ, एक मिनट में इसको समझ में आ जाएगा आपको। मेज, ऑयल सीड या फिर ग्रेन क्रॉप्स, ठीक है, इनके अंदर नुकसान पहुंचाता है। नेचर ऑफ डैमेज की बात करें तो इसकी भाई सिर्फ कैटरपिलर स्टेज नुकसान पहुंचाती है, उसकी तो एडल्ट स्टेज भी नुकसान पहुंचाती है जो फ्रूट क्रॉप्स होती है उनमें, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ कैटरपिलर स्टेज जो है वो ही नुकसान पहुँचाती है। ये क्या करते हैं इसका जो डैमेज का तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, ये कोई प्लांट है, तो ये क्या करता है जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, जिसको हम बोलते हैं प्रो जिसको बोलते हैं, यानी कि जो वृद्धि वाला भाग होता है ऊपर वाला, उसमें क्या करता है ये छेद करता है, इसकी जो कैटरपिलर होगी वो क्या करेगी यहाँ पे छेद करेगी, छेद करने के बाद ये क्या है, ठीक है, यहाँ यहाँ से वो क्या है इंटर होगी, इंटर होने के बाद ये क्या है इसको अंदर ही अंदर से फीड करती है। इससे क्या होगा एक तो प्लांट की जो ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ जो है प्लांट की वो रुक जाती है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, यानी कि पौधा आगे वृद्धि करना बंद कर देता है। उसके बाद इसको ये अंदर ही अंदर फीड करती रहती है, और बाद में क्या होता है जब कैप्सूल बनते हैं, है ना, जब कैप्सूल बनते हैं, कैप्सूल किसको बोलते हैं जो फली जो होती है ना, फली जो होती है, या इसको कैप्सूल को अगर हिंदी में बात करें तो इसको संपुट बोलते हैं, बाकी आपको इतना ध्यान रखना है कैप्सूल ही ध्यान रखना है, कैप्सूल के अंदर ग्रेन्स बनते हैं बस इतना ध्यान रखना। बाद में क्या होता है ये इस कैप्सूल के अंदर इंटर होता है, और कैप्सूल के अंदर इंटर होने के बाद फिर क्या है जो ग्रेन्स जो होंगे, ठीक है, ये ग्रेन्स को फीड करता है,
ठीक है। फिर ग्रेन्स को फीड करता है, इससे क्या होगा, उपज में भारी गिरावट आती है, यानी कि यील्ड जो होती है वो बहुत कम होती है, प्लस पौधे की ग्रोथ छोटी रह जाती है, और कभी कभी तो पूरी की पूरा जो पौधा है वो भी ख़त्म हो जाता है, किल हो जाता है। ठीक है, तो ये सब इसके नेचर ऑफ डैमेज है, ये कैसे नुकसान पहुंचाता है कैसे नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए कैटरपिलर मेक होल इन स्टेम, यानी कि स्टेम में ऊपर वाला जो पार्ट होता है, प्रो जो वृद्धि वाला भाग होता है, वहाँ से इंटर करता है। स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि जो ग्रोथ है वो छोटी हो जाती है, प्लांट की ग्रोथ जो है, कहने का मतलब रुक जाती है, ग्रोथ जो है वो क्या है, रुक जाती है। लार्वा इंटर द कैप्सूल, लार्वा जो है वो कैप्सूल के अंदर इंटर होता है, इंटर होने के बाद एंड फीड सीड्स, और उसके बाद क्या है, सीड्स जो होते हैं, दाने जो होते हैं उनको खाता है। अब इसकी पहचान क्या होती है, यहाँ पे देखिए, नेस्ट आर फॉर्म्ड बाई एक्सक्रीटा, यानी कि इसके जो कैटरपिलर्स होते हैं, ये जो फीड करते हैं, ये प्रो वाले भाग में जो फीड करते हैं, जिन प्लांट्स में, मान लीजिए इसके पास एक प्लांट और है, और दोनों के प्रो या ऊपर वाला भाग जो है, फ्लावर वाला जो पार्ट है, वो एक दूसरे के साथ टच हो रहा है, तो टच होता है, तो उस कंडीशन में ये एक से दूसरे में चले जाते हैं, और जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, एक तो ये बात है। सेकेंड क्या है कि इसके जो कैटरपिलर्स होंगे वो क्या है, जैसे जैसे इसको फीड करेंगे उसके, तो इनकी एक्सक्रीटा जो होती है, ठीक है, इनकी विष्ठा जो होती है, या बोलते हैं एक्सक्रीटा जो होती है, उनकी वजह से क्या है, जगह जगह पे आपको जाले दिखाई देते हैं। ठीक है, नेस्ट बने हुए दिखाई देते हैं, जाले बन जाते हैं, ये इसकी पहचान है, हम पहचान सकते हैं कि इसके द्वारा डैमेज किया गया है। ठीक है, तो ये इसका है नेचर ऑफ डैमेज, कैसे ये डैमेज पहुंचाता है, बाकी लगभग चीज़ें सेम है। लाइफ साइकिल की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं है। एग जो इसके एगलिंग होती है, वो सॉफ्ट पार्ट पे प्लांट के, यानी कि सॉफ्ट ब्रांच हो सकती है, स्टेम हो सकता है छोटी जब स्टेज हो, ठीक है। उसके बाद लीव्स जो है, मेनली क्या है, लीव्स के ऊपर सिंगली एक एक करके एग्स दिए जाते हैं। कैटरपिलर की बात करें तो 4 to 5 इंस्टार्स होते हैं इसके, और कलर होता है ब्राउन रेड, यानी कि भूरा लाल रंग होता है, और 25 to 30 mm लॉन्ग जो है इसका साइज होता है, बॉडी जो होती है वो क्या होती है, 25 to 30 mm के आसपास। बॉडी के ऊपर हेयर्स पाए जाते हैं, येलो स्ट्रिप्स ऑन लेटरल साइड, यानी कि पार्श्व जो तल होता है, यानी इंसेक्ट के अंदर, मैंने आपको कई बार बता रखा है क्या होता है, मान लीजिए ये कोई इंसेक्ट है, तो ये वाली साइड क्या होती है, डोर्सल, ये होती है वेंट्रल, और दो साइड, यानी कि एक तो ये होगी, एक इसके पीछे वाली जो साइड है, यानी कि दोनों साइड वाली जो होती है ना, उनको क्या बोलते हैं, लेटरल। तो इसमें क्या है, जो लेटरल साइड जो होती है वहाँ पे येलो स्ट्रिप्स पाई जाती है, पीले रंग की धारियाँ पाई जाती है। ठीक है, फिर बात करते हैं प्यूपा की, तो प्यूपा इसका बनता है विद इन स्टेम और कैप्सूल, यानी कि या तो तने के अंदर ही, या फिर जो कैप्सूल जो होता है ना, जिसके अंदर दाने रहते हैं, ये जो कैप्सूल बनता है, इस कैप्सूल के अंदर ही क्या है, सिल्कन कोकून के अंदर जो है वो बनता है प्यूपा इसका। ठीक है, रेशमी रेशमी कोकून के अंदर इसका क्या है, प्यूपा बनता है। फिर बात करेंगे एडल्ट की, प्रोड की, तो एडल्ट इसका होता है येलो कलर का, पीले रंग का होता है। ठीक है, उसके ऊपर छोटे छोटे काले रंग के बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं स्मॉल, और विंग्स जो होती है वो येलो कलर की होती है, जिनके ऊपर काले रंग के धब्बे पाए जाते हैं, येलो स्पॉट्स पाए जाते हैं। ये इसको क्या है, पहचानने का जो है करेक्टरिस्टिक्स है, कैसे हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे लाइफ साइकिल की, तो एग स्टेज जो होती है वो 6 से 7 दिन की होती है, लार्वा या कैटरपिलर स्टेज जो होती है 15 से 25 दिन की, 7 से 10 दिन की प्यूपा होती है, प्यूपा से 7 से 10 दिन बाद में एडल्ट बन जाता है, और उसके 1 से 2 दिन बाद जो है रिप्रोडक्शन होने के, 1 से 2 दिन बाद में क्या है, एग लेइंग जो है वापस स्टार्ट हो जाती है, और ये लाइफ साइकिल चलता रहता है। टोटल लाइफ साइकिल लगभग 29 से 44 दिन का होता है, और 3 जनरेशन जो है वो 1 साल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, फिर डायग्राम्स की बात करें तो ये क्या है, दिख रहा है सबको, कैप्सूल बोरर है इसका, ये भी सेम ही है रेडिश कलर का, ये कैप्सूल है, इस कैप्सूल को देख लीजिए, इसने काट दिया है, कैप्सूल को काट के अंदर ही ये क्या है, फीड करता रहता है, ग्रेन्स जो होते हैं उनको ये क्या है, नुकसान पहुंचाता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट में क्या है, सबसे पहले तो डिस्ट्रॉय अफेक्टेड जो कैप्सूल्स, यानी कि जो कैप्सूल्स अफेक्टेड हो गए हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको क्या है, काट के अलग कर देना चाहिए, नष्ट कर देना चाहिए। फिर बात करें, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है इसका, नॉर्मल सा
जो है मैनेजमेंट है, फिर स्प्रे करते हैं कुछ केमिकल्स का 1000 लीटर ऑफ वाटर के अंदर, यानी कि 1000 लीटर पानी के अंदर इनमें से किसी भी एक दवा का हम क्या है मिक्स करके उसको स्प्रे करते हैं। वो हो सकती है मेलाथियन 50 EC 2 लीटर, या फिर फेंथियन 20 EC 1 लीटर, या फिर कार्बरील 50 WP वेटेबल पाउडर जो आता है डस्ट के रूप में 2 किलोग्राम। तो इन सबको क्या है 1000 लीटर ऑफ वाटर के अंदर मिक्स करके हम क्या करते हैं स्प्रे करते हैं। और ये जो स्प्रे है इसकी 3 रेप्लिकेशन किए जाते हैं, यानी कि 3 वीक के अंतराल से 3 बार इसका जो है वो स्प्रे किया जाता है। इस प्रकार से हम इसको क्या है मैनेज कर सकते हैं। ओके भी ये आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसके बाद जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट पेस्ट की बात करेंगे। मुश्किल से 3 या 4 क्लास और होगी, उसके बाद आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।